हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साली ब्लॉग में आप लोग का बहुत 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 स्वागत है। और इस समय अभी हम हैं किचन में, और किचन में हम बना रहे हैं। पहले तो बता दें, आप लोग की दुआओं के जैसे, सबका आशीर्वाद दुआओं के जैसे, बाबू मेरा बहुत अभी ठीक है, बहुत आराम मिल गया है उसको, इसलिए ब्लॉग व्लॉग नहीं बना रहे, टाइम नहीं मिला था। फिर बच्चे की तबीयत नहीं ठीक तो हो नहीं पा रहा था, तो अभी हम नाश्ता बना रहे। देखिए, नहा के ना बाल झाड़े ना कुछ, तो अभी हम बना रहे हैं बेसन का, बेसन की बर्फी बनाए। पहले सोचे हलवा बनाते हैं, लेकिन यहाँ से रात को कुछ मांगे मम्मा, कुछ रात को मीठा दो, तो मिठाई ख़त्म हो गई थी, तो हम कहे क्या दे बेटा, सुबह बना देंगे, तो कहा ठीक है। तो हम सोचे बेसन की बर्फी बना दें तो उसको अच्छा लगेगा। फिर रियांश के पापा जाएंगे अपना मार्केट को ले आएंगे। और इधर बना रहे हैं हम नाश्ते के लिए चौरेठा। चौरेठा बना दें नाश्ते में या खाने में, जैसे भी खाएगा चौरेठा, क्योंकि हम और पापा ही खाते हैं और इनको नहीं पसंद है बहुत, तो इनको दिखा था परसों ताज़ा ताज़ा, तो ले आए थे परसों, ले आए थे एकदम ताज़ा और बड़ा बड़ा था, तो उस समय पनीर उनीर हम बना लिए थे, फिर कल भी नहीं बन पाया, तो हमने सोचा कि आज हम बना दें। तो उसको सुबह सुबह ही बॉइल कर दिए थे और हम बना रहे हैं, तो इससे मुझे बहुत पसंद है इनको। तो कह रहे तुम इतना रुक रुक के मतलब क्यों बताती हो, जो पसंद है बताओ ना। एक दिन ऐसे ही बात हो रही थी कटहल की, तो हम कहे कटहल हमको मेरा फेवरेट हुआ करता था, कहे अब हम कहे अभी भी अच्छा लगता है, कहे इतने साल साल बाद तुम एक एक राज खोल रही हो, हमको कटहल पसंद है, भिंडी पसंद था। गुड मॉर्निंग, बच्चा मेरा उठ गया, रात को मिठाई मांग रहा था, मम्मा बना दे मिठाई आपके लिए, बर्फी बना दे। ओके, जाइए बाथरूम, जाइए वॉशरूम में, जाइए सुसु करके आइए। तो यही एक एक राज तुम खोल रही हो। एक दिन हम कहे हमको भिंडी पराठा बहुत पसंद था, कटहल की सब्जी पसंद थी, और चौरेठा तो यहाँ आके पसंद आया है। तो फिर अभी उस दिन कहे हाँ अच्छा हुआ ले आए, हमको बहुत अच्छा लगता है जब बनाते हैं, तो मछली तो लगता है, क्योंकि मछली तो खाते नहीं हम, लेकिन थोड़ा सा कमी पूरी हो जाती है उससे, बहुत अच्छा लगता है। यहीं आके सीखे हैं चौरेठा मम्मी से, हम मेरे यहाँ नहीं बनता था, मतलब बनता भी होगा तो गौलिन की सब्जी बनती थी, लेकिन चौरेठा नहीं। तो कहे तुम एक एक राज खोलती हो भैया, तुम्हें पसंद है तो पहले बना चाहिए था, क्या मतलब शादी हुई फिर आए, जो मम्मी से पूछे पापा से पूछे जो बनाना है बनाते थे, उसमें क्या बनता था सब खाते थे, ऐसा नहीं कि कुछ ये सब नहीं खाते, लेकिन फेवरेट जैसे कटहल, भिंडी की सब्जी, भिंडी पराठा, ये सब मतलब अच्छा था, मेरा फेवरेट था। तो हो गया बेटा, पैर धो लीजिए फिर ब्रश करा रहे हैं, ठीक है। तो रियांश भी सो के उठ गए हैं, तो चलिए हम सोचे कि थोड़ा सा ब्लॉगिंग शुरू करते, बहुत दिन हो गया था नहीं किए थे। और इधर देखिए एकदम देसी घी में एकदम लाल कर रहे हैं, और ये चौरेठा भी मेरा धीरे धीरे हो रहा है, फिर खाना वाना बनाएंगे, तो नाश्ते में मेरी बर्फी भी हो जाएगी, दूध वगैरह पापा को दे देंगे तो हो जाएगा नाश्ता। और रियांश के लिए देखिए क्या बनाते हैं, बर्फी तो ऐसे ही पानी पीने के लिए हो जाएगा। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए, मिलते हैं आगे। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या बेटा ब्रश दे दें, हाँ बेटा दीदी अंदर है ना बाबू पास, ठीक है मैं भी आ गई जल्दी, इस काम खत्म कर लूँ, बहुत गर्मी है। नहीं पी रहा है, अभी पिया था ना, हम उसको भी पिला के आए बेटा, अभी पिला के आए, बस मम्मा काम खत्म करके आ रही है, चलिए मिलते हैं अभी, चलो ब्रश करा दें आपको। तो ये बन गई है हमारी बर्फी, और इस पे हम चाकू लगा दिए हैं, अभी जम जाएगी तो ये हो जाएगी बर्फी, तब तक ठंडा होने देते हैं। मेरे रियांश मोबाइल मांग रहे हैं, चलिए दे देते हैं, फिर मिलते हैं आगे, बने रहिएगा वीडियो में। और ये रहा हमारा चौरेठा। हेलो दोस्तों, इस समय बज रहे हैं रात के 10, पापा खाना खा लिए, रियांश के पापा खा लिए, अब मैं जा रही हूँ खाना खाने, और आज बनी है कटहल की सब्जी, तो आप लोग को दिखाते हैं कटहल की सब्जी। वो ज्यादा बड़ा वाला होता है तो पंचोर हो जाता है, ये ठीक है। ये जो मतलब जिसे उसको लोग कहते हैं ना कि क्या कहते हैं उसको, कटहली जो छोटा वाला था, हाँ, वो कड़ा कड़ा नहीं अच्छा लगता, हाँ कटहली हम लोगों को नहीं अच्छा, ये वाला ठीक है, थोड़ा सा मतलब रहे, हाँ बिया रहे, थोड़ा बिया भी अच्छा लगता है, बड़ा रहे, हाँ
हाँ वो तो पानी छोड़ देता है ना मसाला, तब नहीं अच्छा। ये ठीक है मीडियम वाला। हाँ बहुत प्याज भी इसलिए नहीं डाले थे कि मीठा बनना है, बराबर में डाले थे। हाँ नुकसान करता है। फाइनली पापा बता रहे थे कि सब्जी बहुत अच्छी बनी है, मतलब हम ज़्यादा प्याज भी नहीं डालते क्योंकि मीठापन भी आ जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। और ये अच्छे पापा को पसंद आया। और ये कटहल ही नहीं था, कटहल था जो कटहल ही होता है वो भी बहुत कोई टाइट होता है तो नहीं अच्छा लगता। और हम सोचे मतलब रात का समय है, पापा जल्दी मसाला खाते नहीं, इसलिए हम पापा से पूछे थे पापा इस समय खाएंगे कटहल, बोले हाँ अच्छा लग रहा है खा लेंगे, तो पापा खा लिए हैं। इसलिए वही पापा बता रहे थे कि ये कटहल अच्छा होता है, अच्छी बनी है सब्जी, अच्छा है, खा लिया। अब हम भी जा रहे हैं खाने। चलिए 10 तो बज ही गए। हाँ 10 बज गए, 10 बज गए, हम भी खा लें तब डुग्गू का दूध वगैरह लेके चलेंगे। तो आप लोग को सब्जी बाकी सब लोग खा लिए हैं, बस बची है, मैं भी अपना निकाल ली हूँ। तो चलिए हम भी खाना खा लें जल्दी जल्दी, नहीं अभी डुग्गू रोने लगेंगे तो फिर कुछ नहीं होगा। तब तक पहले बर्तन खाली कर लें, उसके बाद हम खाना खाएंगे, ताकि फिर खाना खाने के बाद खाली थोड़ा सा काम रहे, वो बॉटल वगैरह भरना बस। चलिए बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं। तो फ्रेंड्स गुड इवनिंग। कल रात के बाद इस समय मैं थोड़ा सा शूट कर ले रहे हैं, हम सोचे तो आज दिन भर वीडियो नहीं शूट किए हैं। रियांश पापा आ गए, नहीं बाबा आए, बाबा आए, पापा फोन आ रहा है। पता नहीं तो क्या हुआ, रियांश देख रहा था मोबाइल, उसमें वो वाटर पार्क का दिखा रहा था। क्या रियांश कितना मजा आ रहा है ना, अच्छा लग रहा है ना, तो कह रहा है तुमको जाने का मन कर रहा है क्या मम्मा? हम कहे हाँ अच्छा लग रहा है ना, तुम नहीं जाओगे क्या? कर नहीं मुझे पानी से डर लगता है। तो जाके कह रहा है चचा से, मम्मा को वाटर पार्क जाने मन कर रहा है। पापा कहे अच्छा चलो घुमाते हैं, आए टीवी में लगा दिए वहाँ कानपुर का वाटर पार्क लगा दिए, एक घंटा देख लिया हम लोग, कह मजा आया। हम कहे हाँ अच्छा लग रहा है, कहते हो गया चलो सो जाओ। मौसम अच्छा रहता है तो मन करता है ना घूमने का। हाँ टीवी में एक बार मसूरी घुमा दिए टीवी में, तो फिर कहे कि अच्छा लग रहा है ना, जगह अच्छी है ना घूमने वाला है एक। हम कहे हाँ बस वो घूम ली टीवी में लगा दिए, लेकिन मज़ा आ रहा था वाटर पार्क वाला देख के। बाबा रे अध्यांश क्या कह रहा था, दीदी को बुला देना तुम चल जाना। हम कह बगल में नहीं है दीदी को बुला, ये बगल में नहीं बेटा, दीदी बुला देंगे तुम चलिए। रियान सब बड़े हो गए, मम्मा की बात समझने लगे। भाई कोई नहीं समझने वाला मम्मा की बात, तो रियान समझता है मम्मा को घूमने का मन कर रहा है। तो दिखा दिए टीवी में लगा के दिखा दिए, घूम ली हो गया चलो सो जाओ। तो अभी सुबह सुबह है, मैं चाय वाय पापा को दे चुकी हूँ, थोड़ा सा अपना दूध वगैरह इधर रख दिए, बॉयल हो रहा है, थोड़ा सा काम वाम कर लें, सामान वाना है रख लें। और रियांश कल जीत करके गुड मॉर्निंग, बड़ी जल्दी उठ गए यार, 12 बजे रात तुम लोग सोते हो और इतनी जल्दी उठ जाते हो। हाँ इधर आइए, बारिश हुई थी रात को। हाँ मौसम अभी अच्छा लग रहा है, रात को बारिश हुई थी। नहीं बेटा हुई थी रात को, अब तो सूख गया ना, थोड़ा सा हुआ था, नाटक नहीं कर रही हूँ। देखो के चीटा है, चप्पल नहीं पहने हो, आपके पीछे पीछे जा रहा है। तो कोई वीडियो वगैरह शूट नहीं कर पा रहे हैं दिन में भी। क्या बेटा? अरे आप सो रहे थे ना, कहाँ से आवाज़ आएगी आपको, अंदर थे ना। कुछ वीडियो वगैरह शूट नहीं हो पा रही है, गर्मी काम और बच्चे, फिर दूध रखे हम लोग के बैठ के बात कर रहे हैं, बह जाएगा इसलिए कोई वीडियो शूट नहीं कर पा रहा। थोड़ा बहुत मोबाइल उठा रहे हैं, थोड़ी थोड़ी शूट हो रही है, तो सोचे चलिए आप लोग से थोड़ा सा और बातें कर लें, क्योंकि वीडियो थोड़ी थोड़ी बना के रखे हैं 2 दिन से और डाल भी नहीं पा रहे हैं, तो एंड भी करना था और ज़्यादा खास है भी नहीं वीडियो। तो अभी नाश्ता देखते हैं क्या बनाना है,
और मौसम अच्छा है, घूमने का मन करता है। लेकिन बाबू की तबीयत भी अभी मतलब ठीक है, अभी तबीयत उसकी, लेकिन फिर भी दवाई तो पी रहे हैं, दवाई पिला रहे हैं। तो मन को मार के रखना पड़ता है बच्चों के लिए। अच्छा पहले ब्रश कीजिएगा, नहाइएगा तब ना। बहुत महीनों बाद कल जीत करके रियांश के पापा से मान ले आए थे, तो मेरा भी मैगी लिख दो। आ गई आपकी मैगी, तो आटा वाली मैगी लाए हैं। तो कहते चलो बहुत दिन हो गया इसको, बहुत महीनों हो गया मैगी खाए, तो चलो एक पैकेट ले आते हैं। नुकसान नहीं करती आटा, श्रेयांश भी खाता है ना आटा मैगी। तो चलिए वीडियो को एंड करते, कुछ खास नहीं है, पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। गुड मॉर्निंग तो कह दो, हाय हेलो कर दो। चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, देखते हैं। मौसम तो बहुत मज़ेदार है, लेकिन क्या करूँ, कहीं जाना वाना तो नहीं हो पाता। वहाँ मैके में भी सब लोग बुला रहे हैं, लेकिन कैसे जाएं, पापा को भी छोड़ के, पापा अकेले फंस जाते हैं हम इसी सब में, कि पापा को कौन देखेगा करेगा फिर, कोई होता सा और कोई होता तो एक लोग रहते एक लोग जाते, कोई है ही नहीं तो इसी सब में फंस के रह जाते हैं, कहीं ना आना ना जाना हो पाता है। पापा को अकेले छोड़ के जा भी नहीं सकते, पापा को लेके भी ज़्यादा दिन नहीं जा सकते, बहुत जाएंगे पापा, एक दिन दो दिन जाएंगे, ज़्यादा दिन कहीं रहेंगे भी नहीं। मेरी आँखें देखी कितने सूजी सूजी लग रही है, नींद ही पूरी नहीं हुई है, क्योंकि डुगू रात को बहुत रो रहे थे और कई बार उठा लेते हैं बीच रात को, तो नींद पूरी नहीं हो पाती। चलिए बाय बाय।